युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मनीष ठाकुर की अध्यक्षता में सोलन के मिनी सचिवालय के बाहर जिला युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रस्सी के माध्यम से एक गाड़ी को खींचते हुए नजर आए। वे गाड़ी खींचकर ये साबित करना चाहते थे कि पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, कीमतों में उछाल के चलते आम आदमी दुखी है और घर चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के चलते जहां प्रदेशवासियों की आमदनी का साधन बंद हो चुका है, परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, ये चिंता सता रही है। वहीं दूसरी ओर सरकार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाकर लोगों पर दोहरी मार मार रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मनीष ठाकुर ने कहा कि महामारी के दौरान भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते देश में पेट्रोल और डीजल आसमान छू रहा है। ये कीमतें तब बढ़ाई जा रही हैं जब विश्व में प्रति बैरल कीमत बेहद कम हो चुकी है, जिसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाजपा सरकार आपदा के समय में भी प्रदेशवासियों की जेब में डाका डालना चाहती है, लेकिन युवा कांग्रेस उन्हें मनमानी नहीं करने देगा और तब तक अपना प्रदर्शन जारी रखेगा जब तक कीमतें कम नहीं हो जाती हैं। एक गाड़ी को खींचते हुए यूथ कांग्रेस के साथी जा रहे हैं। ये हमारा यही संदेश है कि आने वाले समय में डीजल और पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है आज भी, और आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा होने की संभावना है। कैसे लोग गाड़ियां चलाएंगे, कैसे लोग कृषि से अपना और जो दूसरा व्यवसाय करेंगे, और इस महंगाई की मार में और आपदा का जो समय है, इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी, दोनों ही, चाहे वो प्रदेश स्तर का टैक्स हो चाहे सेंट्रल स्तर की जो एक्साइज ड्यूटी है उसके ऊपर लगातार बढ़ोतरी कर रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो बहुत कम है। 36 से 40 रुपये प्रति बैरल जो कीमत जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, और जब 2014 से पहले का जब आप आंकड़ा देखेंगे कि उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्रूड ऑयल की कीमत थी 140 प्रति बैरल प्रति डॉलर थी, और आज और उस समय भी 71 रुपये से ऊपर जो पेट्रोल की कीमत नहीं थी और 56 रुपये से ऊपर है डीजल की कीमत नहीं थी। लेकिन आज ये क्या कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्रूड ऑयल की कीमत बहुत कम है और आज जो मार्केट में जो हिंदुस्तान की जनता का जो तेल डीजल और पेट्रोल जो 80 रुपये से भी ज़्यादा पर लीटर मिल रहा है, तो इसके पीछे क्या कहानी है? जबकि इस महामारी के दौर में पूरे हिंदुस्तान के जो नौजवान हैं, जो दूसरी पीढ़ी है, उनका रोज़गार जो है छिन चुका है और दूसरे जो व्यवसाय है बिल्कुल वो चौपट हो चुके हैं, कि तो इन महामारी के दौर में भी और आपदा में अवसर ढूंढते हुए लोगों की जेब में डाका डालते हुए केंद्र सरकार जो प्रदेश सरकार है लोगों के साथ अन्याय कर रही है। हमारी यही मांग है कि आज हम यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए और महामहिम राष्ट्रपति मोदी को हम ज्ञापन देने जा रहे हैं जिलाधीश मोदी के माध्यम से, और हमारी ये मांग है कि जो प्रदेश सरकार है और केंद्र सरकार है वो इस पर जो डीजल पेट्रोल पर लगने वाले जो कर है उन करों में कटौती करते हुए प्रदेश और देश की जनता को वो इसमें राहत दे। इसीलिए आज हमने पूरे प्रदेश के अंदर जिला स्तर पर यह प्रदर्शन रखा है।